राकेश देवी जी नोएडा सेक्टर 122 खड़ी होंगी आप, वापिस खड़ी हो जाओ। एक बात कहना चाहेंगे आज आपको, अगर कैंसर का रोग है या किडनी या लीवर या बुखार, पेट से जुड़ा हुआ, सिर से जुड़ा हुआ, कंधे से जुड़ा हुआ या घुटने से जुड़ा हुआ, या रीढ़ की हड्डी में कहीं पानी भरा गया हो या कमर झुक रही हो, कोई भी रोग उधर से लेकर शरीर के अंदर नहीं भागता है और वो बेकार हो रहा है, तो बैसाख का महीना चल रहा है। राकेश देवी जी, बैसाख का महीना चल रहा है, बैसाख के महीने की शिवरात्रि के दिन, बैसाख के महीने की जो शिवरात्रि आएगी, हर महीने शिवरात्रि आती है, तो बैसाख की जो शिवरात्रि है, इस शिवरात्रि के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में एक लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा बेल का फल मिल जाए, उस फल का थोड़ा सा भाग, या तो बेल का फल का अगर छिलका मिल जाए तो उसमें पानी भरकर तांबे के लोटे में डाल दो, या बेल का फल नहीं मिले तो बेलपत्री को लेके उसमें डुबो दो और डुबो के बेलपत्री को बाहर निकाल दो। वो पानी भगवान शंकर को शिवरात्रि के दिन, बैसाख महीने की जो शिवरात्रि है, बैसाख के महीने में प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, बैसाख के महीने की शिवरात्रि के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में शंकर भगवान को अपना रोग और बीमारी का बोलकर शंकर भगवान को जल समर्पित कर कर जाओ, बाबा पर विश्वास रखकर चढ़ाना, धीरे धीरे ठीक हो जाओ। शिव भगवान शिव की कृपा।